खरगोन जिले में खनन माफिया लगातार नदियों का दोहन करके रेत का स्टॉक करके ऊंचे दाम पर रेत बेच रहे हैं, साथ ही छोटे रेत व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इसी संबंध में खेची रेत व्यापारी संघ इन रेत माफियाओं के खिलाफ थाने पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वासकेल ने खनिज अधिकारी सावन कुमार के साथ अवनी ग्राम पहुंचकर अवैध रेत स्टॉक का जायजा लिया। खबर लगते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके से रेत को रफा दफा करते देखे गए। इस दौरान खेची रेत व्यापारियों ने बताया कि राजनीति का सहारा लेकर अवैध रेत माफियाओं द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम पूर्व में भी कर चुके हैं। वहीं थाना प्रभारी और खनिज अधिकारी ने मौके पर डंपर को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया था कि सर ये नगर पालिका की जमीन के पास में अवनी ग्राम में कुछ मतलब कि लोग अवैध रूप से मतलब स्टॉक करके बेचते हैं। इसी संबंध में TI कोटवाली साहब के पास कुछ लोग शिकायत करने के बाद गए, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोले कि एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग थाने पर गए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, देखा है कि यहाँ पर हमने पहले से परमिशन दी है, तो एक बार उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ गलत निकलता है, जांच में गलत आता है, तो उसमें ज़रूर कार्रवाई होगी। मोना बादरपुरा दिनेश यादव ने धंधा उठा के रखा है कि 35,000 रुपये पर व्यक्ति दो। इसके पहले उनने 50,000 रुपये मांगे थे, 50,000 रुपये महीना दे दिए थे। पहले पैसे 50,000 रुपये उसको महीने दे चुके थे, अब 35,000 रुपये महीने मांग रहा है। और तुम रेत पे मशीन चलाओ और रात में मशीन चलाओ, दिन में कोई मशीन नहीं चलाएगा, रात में चलाओ और उसके बाद में जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। और 1100 की जगह भी उन्होंने टोकन का 1300 रुपये मांग रहा है और 2500 रुपये रॉयल्टी मांग रहा है। टोकन का क्या है? टोकन का ये है कारण कि तुम 1300 में टोकन चलाओ, उसके बाद में पकड़ा जाए वाहन, तो उसमें तुम्हारी जवाबदारी रहेगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। उनके आदमी जो मार्केट में चल रहे हैं, उनकी जो गाड़ियां चल रही है, बुलेरो चल रही है, टबेरा चल रही है, स्कॉर्पियो चल रही है, उसके जवाबदार तुम रहोगे। प्रशासनिक शिकायत हुई कि नहीं इसकी? नाम सही नाम सही रोड डेली हो रही है, इस बात को सब हो गई है के आदमी उन सिर पर वाहन रोकेंगे तो वो छोड़ देंगे टोकन देखते। और उनने ऐसी कोई वेबसाइट बनाई है मोबाइल पे कि जो मोबाइल पे उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट हमको टोकन व्हाट्सअप करते, वो मैसेज करते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर देते। और रॉयल्टी के लिए हमको ई खनिज का रजिस्ट्रेशन होना, तो हम ई खनिज का रजिस्ट्रेशन करवाते तो हमारे पास रॉयल्टी आती है। तो वो टोकन का भी उनने ऐसी वेबसाइट कुछ बना ली है कि वो टोकन भी डायरेक्ट हमको मोबाइल पे मैसेज करते हैं, टेक मैसेज कर देते हमको। रॉयल्टी भी व्हाट्सअप कर देते हैं। और पहले मैसेज हमारी जो रॉयल्टी का आता है, वो रॉयल्टी का मैसेज क्या डायरेक्ट कंपनी द्वारा कैसे आता है, सरकारी मैसेज आता है पूरा, वो व्हाट्सअप करके वो टोटल व्हाट्सअप कर रहा है, एडिट कर लेते हैं। और मेरे यहाँ तक सुनने में आई है जो सरकारी रॉयल्टी निकलती है, ये रॉयल्टी है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मिलती है हमको, ये इल्लीगल है, ये काफी मिलती है हमको ओरिजिनल। कभी तो ये भी मोबाइल पे नहीं आती है, ये मोबाइल पे मतलब पहले नहीं आती है, ऑनलाइन नहीं निकलेगी, काफी निकलेगी इसकी। ड्राइवर को मैसेज मिलता है, उसके बाद में ये काफी वो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष रघुवंशी। ये निकल आती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।